प्रदेश सरकार एक तरफ तो जल संरक्षण की मुहिम चला रही है और जिसके लिए तमाम प्रकार से लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ नगरपालिका फर्रुखाबाद क्षेत्र के जिम्मेदारों की अनदेखी से रोजाना हजारों लीटर की पानी की बर्बादी हो रही है। पानी की टंकी की पाइपलाइन से 15 दिन से भी ज़्यादा पानी बर्बाद हो रहा है, लेकिन जिम्मेदार मरम्मत की सुध नहीं ले रहे, जिससे रोड किनारे जलभराव का भी खतरा मंडराता रहता है। पूरी खबर जानने के लिए आप जुड़े रहिए पीपीएफ लाइव से, और हमारा निवेदन है आपसे कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। लालसराय पानी की टंकी, जो कि लालसराय मछली मंडी के सामने पानी की टंकी के पास नगरपालिका का नलकूप लगा हुआ है। यहाँ से खटकपुरा, कोटा पारचा, बुरा वाली गली, मदारवाड़ी, घुमना, साहबगंज, खटकपुरा सिद्दीकी, तलैया मोहल्ला आदि सहित कई मोहल्लों में जलापूर्ति की जाती है। करीब 15 दिनों से लालसराय टंकी पर बने ट्यूबवेल से हजारों लीटर पानी निकलता दिखाई दे रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और पालिका जलकल विभाग के कर्मचारी अधिकारी मौन दिख रहे हैं। पालिका कर्मचारियों को फिक्र नहीं है कि हजारों लीटर पानी रोजाना नालियों के द्वारा बर्बाद हो रहा है, तो वहीं बात करें पानी की तो अभी भी कुछ मोहल्लों में साफ पानी पीने का पालिका के द्वारा नहीं पहुंच पा रहा है और यहां हजारों लीटर पानी नालियों में बहता दिखाई दे रहा है। आप वीडियो में देख सकते हैं किस प्रकार से पानी की टंकी के नीचे से बड़ी संख्या में साफ पानी बहता दिखाई दे रहा है। पानी बहने से सड़क पर भी पानी भरा रहता है। आसपास के दुकानदार पानी बहने से दुकान लगाने में भी तकलीफों का सामना कर रहे हैं, फिर भी नगरपालिका प्रशासन का जलकल विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो वहीं पीपीएफ लाइव की टीम ने अवर अभियंता जलकल विभाग के गौरव जी से बात की तो उन्होंने बताया उन्हें पूरे मामले की कोई जानकारी नहीं है, कर्मचारी भेजकर मौके की जांच कराएंगे व टीम भेजकर मरम्मत जल्द से जल्द कराई जाएगी।